थे, बैक टेस्ट कर रहे थे। तो जो आज का टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर स्पान ऑफ सेट, किसी भी सेट का लीनियर स्पान मतलब उसका सेट क्या होगा। मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर स्पान ऑफ अ सेट, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो लीनियर स्पान ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ है और कोई सेट यस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट यस है जो भी का सबसेट है, वी ओवर एफ का सबसेट है वेक्टर स्पेस का, राइट। अब सेट यस के जितने भी मतलब जो फाइनाइट एलिमेंट होंगे, सेट यस के पास फाइनाइट जो एलिमेंट हैं उनके जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे उनका एक सेट अगर हम बना लें तो वही हमारा लीनियर स्पान ऑफ सेट यस कहलाता है। ध्यान से सुनिए, सपोज हमारे पास कोई सेट है वी वन वी टू वी थ्री एंड वी एन, फाइनाइट सेट यस है, ठीक है। तो इसके जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे उनका एक हम कलेक्शन ले लेंगे, सेट बना लेंगे, वही लीनियर स्पान ऑफ सेट कहलाता है। तो यहां से देखिए, स्पान ऑफ सेट यस को हम एलियस या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पान यस। तो जितने फाइनाइट एलिमेंट उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें, उनका एक सेट हम बना लेते हैं, जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे फाइनाइट सेट का इसका, वही हमारा लीनियर स्पान ऑफ सेट कहलाता है। तो यहाँ से ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू है ना एंड सो एन ए एन वी एन, वेयर वेयर ए आई या ए एन बिलोंग्स टू फील्ड एफ, ठीक है। तो यही डिफिनेशन है स्पान ऑफ सेट का, मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस भी है, यस नॉन एम्प्टी सेट है, वो इसका सबसेट है, तो इसके पास जितने भी एलिमेंट हैं फाइनाइट एलिमेंट हैं उनको, उनके सारे एलिमेंट को अगर लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख पाते हैं तो वही उस सेट यस का स्पान ऑफ सेट, ये मतलब स्पान ऑफ सेट या लीनियर स्पान ऑफ सेट कहते हैं। जैसे स्पान ऑफ सेट को हम एल एस से डिनोट करते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था। चलिए हम इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो समझ जाएंगे स्पान ऑफ सेट क्या होते हैं। तो चलिए एक बार हम उसका डिफिनेशन देख लेते हैं, पहले देखते हैं डिफिनेशन देखते हैं लीनियर स्पान ऑफ सेट का। लेट कैपिटल बी वे वेक्टर स्पेस, लेट कैपिटल बी वे वेक्टर स्पेस एंड यस बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी। मान लेते हैं कि कोई भी वेक्टर स्पेस है और यस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है भी का, देन द सेट ऑफ आल, देन द सेट ऑफ आल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ यस इज कॉल लीनियर स्पान ऑफ यस। मतलब यस को जो वेक्टर स्पेस का सबसेट है उसके जितने भी फाइनाइट एलिमेंट हैं तो उनके जितने लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वही हमारे क्या कहेंगे, लीनियर स्पान ऑफ यस एंड इज डिनोटेड बाई एलियस, या आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली आप चाहें देख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यस जो है आप लिखा हुआ है एलियस को, तो समेशन आई बराबर वन टू एन ए आई वी आई, वी आई जो है वेक्टर से हम यस से ले रहे हैं और ए आई हमारा फील्ड से लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि लीनियर स्पान ऑफ यस, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, देखिए एग्जांपल आपसे और क्लियर हो जाएगा। हमने यस बराबर ले लिया वन जीरो जीरो और जीरो वन जीरो, इस सबसेट ऑफ आर क्यू, हम बात कर रहे हैं आर की ओवर आर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वेक्टर हमारा आर क्यू है और फील्ड हमारा क्या है आर है, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, हमको क्या करना है, इन इसके दो ही एलिमेंट हैं तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो हमने ए आर से कोई दो ले लिया एलिमेंट, ए और बी ले लिया, तो पॉसिबल यहाँ से ए एन टू जीरो वन जीरो जीरो प्लस बी जीरो वन जीरो एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसके पॉसिबल हमने लिख रहा है यहाँ पर, बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेट के अंदर ए कामा बी कामा जीरो ए बी बिलोंग्स टू फील्ड आर, आल द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। मतलब
अब इस सेट के स्पेन स्पान ऑफसेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई के जितने भी एक्स वाई प्लेन जो भी एक्स वाई जितने एक्स वाई प्लेन पे जितने पॉइंट्स मिलेंगे सब इस सेट के क्या है, स्पान लीनियर स्पान ऑफसेट यस है ना, इस सेट के देख रहे हैं यहाँ पर इसको मैं एल एस से डिनोट किया चाहे से लिखा, तो हमने दो एलिमेंट लिया दो फील्ड से लिया, तो इसी सेट यानी ए कामा बी कामा जीरो इस सेट यस का लीनियर स्पॉन है, ये क्या है लीनियर, मतलब डिफिनेशन तो यही है ना, देन द सेट ऑफ आल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये इस सेट का लीनियर स्पान है ठीक है, यस का लीनियर स्पान क्या है ए कामा बी जीरो एंड ए बी बिलोंग्स टू फील्ड आर, हमने क्या लिया था एक यस सेट लिया आर क्यू से लिया ठीक है, तो सबसेट है ऑब्वियस उसका आर क्यू का सबसेट है, अब इसके दो ही एलिमेंट हैं तो हमने दो फील्ड से एलिमेंट लिया आर से, तो लेने का लीनियर कम्बिनेशन में जो हमारा एक सेट मिला ए कामा बी कामा जीरो ये सेट यस का क्या है स्पान सेट है ना, लीनियर स्पान ऑफ यस है ना इसके, क्योंकि जितने दो ही इसके पास एलिमेंट थे उनके पॉसिबल लीनियर जो कम्बिनेशन बना वो यही बना, तो एक हमें सेट मिल गया ए कामा बी कामा जीरो ऑल द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, और जो भी इस सेट का लीनियर स्पान होगा सेट यस का वो एक्स वाई प्लेन पे होगा, जितने पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे आएंगे सारे इस सेट के क्या है लीनियर स्पान है इस सेट के, देख ऑल द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, तो ये रहा लीनियर स्पान का आप सेट का डिफिनीशन, एक बार समझ लेते हैं कि कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस है यस उसका कोई सबसेट है ठीक है, तो यस के जो फाइनाइट मतलब जिसे काउंट हम कर सकें ठीक है, फाइनाइट जो एलिमेंट होंगे उनको जितने उसके पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे बन सकते हैं जितने बन जाए उनको हम अगर लीनियर कम्बिनेशन में लिख लेते हैं राइट कर लेते हैं तो हम कहते हैं लीनियर स्पान ऑफ सेट, जो जो उसके अंदर एलिमेंट आएंगे जैसे इस सेट के एस के अंदर ये कमा भी कमा जीरो आया था ठीक है, तो इस सेट का क्या है लीनियर स्पान ऑफ सेट है ठीक है, तो ये रहा डिफिनेशन और एग्जांपल, अब हम जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई दफ़ा पूछे गए हैं मैच कर लीजिएगा ठीक है, चलिए थ्योरम को देखते हैं, तो आइए देखते हैं थ्योरम में क्या पूछा जा रहा है, इफ यस एंड टी आर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस बी देन यस सबसेट ऑफ यस कंटेंट कर रहा है टी के अंदर, तो इम्प्लाई करता है कि जो लीनियर कम्बिनेशन होगा सेट यस का वो भी कंटेंट करेगा लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टी के अंदर, मतलब स्पान ऑफ सेट कंटेंट स्पान ऑफ टी है ना ये कंटेंट करेगा, यस इज सबसे सब स्पेस ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ यस के जो लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे जो भी फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन बनेगा वो यस के इक्वल हो जाए, ये प्रूव करना है ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद लीनियर कम्बिनेशन जो मतलब स्पान ऑफ सेट यस का अगेन स्पान ऑफ सेट निकालें तो स्पान ऑफ सेट यस के बराबर होगा, मतलब एक बार आपने इसके जितने पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बने बना लिए उससे आपको एक सेट मिला फिर से आपने एक लीनियर कम्बिनेशन बनाया तो वो पहले वाले के इक्वल हो जाए, ये पूछा जा रहा है ठीक है, फोर्थ में क्या पूछा जा रहा है कि यस यूनियन टी का जितने पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे वो यस और टी के ऐड के यानी सम के इक्वल होंगे, तो ये फोर थ्योरम इसके अंदर क्वेश्चंस हैं पूछे गए हैं, आप एक बार मैच कर लेना कि कब पूछा गया था ठीक है, और चलिए इसको फिर हम करते हैं, चलिए इसका हम फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं कि यस कंटेन करता है टी के अंदर तो उसके लीनियर कम्बिनेशन भी उस यस और टी के अंदर क्या करेगा कंटेन करेगा, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यस कंटेंट करता है टी के अंदर तो उसका लीनियर कम्बिनेशन भी दोनों के अंदर कंटेंट करेगा यानी स्पेन ऑफ सेट कंटेंट टू स्पेन ऑफ टी, तो हमने सबसे पहले क्या किया यस सबसेट ऑफ टी ले लिया, ऑल्सो लेट मान लेते हैं कि इस का जो यस का लीनियर कम्बिनेशन जो भी फाइनाइट सेट का लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है उसके अंदर एक एलिमेंट हमने क्या ले लिया यक्स ले लिया, देन यक्स इज द एल सी का मतलब क्या है लीनियर कम्बिनेशन में शॉर्ट में लिखा है, तो x इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यस, ऑब्वियस है जब इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसके एक एलिमेंट का क्या है वो लीनियर कम्बिनेशन है, तो मान लेते हैं जो x है
उसका लीनियर कम्बिनेशन क्या है, अल्फा एक्स आई है, अल्फा इज द फील्ड, एक्स आई इज द एक्स सेट, एक्स से बिलोंग करता है। तो देयर का मतलब क्या मतलब होगा, देखा ये हुआ कि अगर एक्स उसके अंदर बिलोंग करता है, एक्स इसके लीनियर कम्बिनेशन में, तो टी के भी अंदर बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यस क्या करता है, कंटेन करता है किसके अंदर, टी के अंदर, दैट इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ यस कंटेन करेगा लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सेट टी, तो इसके अंदर ये भी कंटेन करेगा। इसका मतलब यस कंटेन करता है टी के अंदर, तो इम्प्लाई कर देगा उनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा सेट यस का, वो भी कंटेन करेगा जो लीनियर कम्बिनेशन होगा जितने पॉसिबल फाइनाइट एलिमेंट होंगे सेट टी का, उसके अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि यस सब स्पेस है भी का इफ एंड ओनली इफ, तो उसके जितने फाइनाइट सेट के लीनियर कम्बिनेशन बनेंगे वो सेट यस के इक्वल होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यस इज सब स्पेस ऑफ भी इफ एंड ओनली जो एल एस इज इक्वल टू यस। एल एस क्या है, हमारा स्पेन सेट ऑफ यस है, यानी जो यस है, यस के जो फाइनाइट सेट होंगे उनके जो जितने पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन होंगे वो हमारा एल एस है। तो जो जो उस कह रहा है कि जो एल एस है वो इक्वल हो जाएगा यस के। इसका मतलब प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, लेट यस बी यस सब स्पेस ऑफ बी, मान लेते हैं यस क्या है, बी का सब स्पेस है, एक एलिमेंट हमने इसके लीनियर कम्बिनेशन आप यस से ले लिया, तो यक्स इज द लीनियर कम्बिनेशन आप यस फाइनाइट नंबर एलिमेंट आप यस, मतलब यक्स जो है लीनियर कम्बिनेशन है सेट यस का, जो फाइनाइट एलिमेंट होंगे उनका लीनियर कम्बिनेशन जो बना रहे हैं वही एक क्या है, यक्स क्या है, उन्हीं सेट में से एक है। तो हम लिख सकते हैं वो उसका एल एस में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि इसके और फील्ड से एक एलिमेंट हम इससे लें तो कुछ इसके एलिमेंट से लीनियर कम्बिनेशन इसको हम लिख सकते हैं। फॉर एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई, फॉर सम फाइनाइट नंबर ऑफ एक्स आई बिलोंग्स टू यस एंड अल्फा आई बिलोंग्स टू फील्ड एफ, बट यस बीइंग सब स्पेस, तो यहाँ से क्या कर रहा है, यस क्या हो रहा है, सब स्पेस हो रहा है, तो यहाँ से क्या करेगा, जो उसका लीनियर कम्बिनेशन होगा वो इसके अंदर, यस के अंदर बिलोंग करेगा। Therefore, यक्स भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेट यस के अंदर, यक्स भी बिलोंग करेगा। दस जो उसका लीनियर कम्बिनेशन एल एस होगा वो भी कंटेन कर जाएगा एस के अंदर, कंटेन कर गया। इसका मतलब जो लीनियर कम्बिनेशन है यस का, सेट यस का, वो एस के इक्वल भी हो जाएगा, सिंस यस कंटेन सेट ऑफ ऑल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ यस का, जो लीनियर कम्बिनेशन है उसके अंदर एस हमेशा यस कंटेन करेगा। अब इसमें आगे देखिए, कन्वर्स में सपोज एल एस इक्वल है एस के, ठीक है, देन एल एस बीइंग सब स्पेस ऑफ, सो देयर फॉर एस भी क्या होगा, उसका सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगर आप फाइनाइट एलिमेंट सेट एस का लीनियर कम्बिनेशन बनाते हैं, जो आपको एलिमेंट मेंबर मिलते हैं उसके, अगेन आप उसका लीनियर कम्बिनेशन बनाया, यानी एल एस का अगेन हम लीनियर कम्बिनेशन बनाए, तो जो फर्स्ट टाइम आप जो लीनियर कम्बिनेशन आप बनाया था फाइनाइट सेट का एस का, उसके इक्वल होगा। तो सेकंड का यूज करके हम थर्ड का प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। तो एल एस इज द सब स्पेस ऑफ बी, इसमें आपने प्रूफ किया कि अगर एस क्या है, सब स्पेस है बी का इफ न ओनली इफ, एल एस क्या होगा, एस के इक्वल होगा, यानी यस अगर यस के इक्वल है तो भी उसका यस क्या है, सब स्पेस है बी का, तो यस क्या है, सब स्पेस है बी का। तो बाई सेकेंड ये देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से अगेन आप जब लीनियर कम्बिनेशन यहाँ से अगेन यहाँ पर आप ले लो लीनियर कम्बिनेशन, वो शायद लीनियर कम्बिनेशन फिर से हम ले लेंगे, तो ये आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब हम जाएंगे इसके फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, कैसे प्रूफ करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आइए इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा एस यूनियन टी होगा, क्वेश्चन हमारा ये था कि इफ एस एट टी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी, देन एस यूनियन टी का जो लीनियर कम्बिनेशन होगा, जो भी पॉसिबल फाइनाइट एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन बनेगा, वो इक्वल होगा सेट ऑफ जो एस है उसका जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा फाइनाइट सेट का और टी का, उनके एड के यानी सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस यूनियन टी में एक एलिमेंट हम लेते हैं जेड, तो जेड जब आप उससे लेंगे तो जेड को हम लिख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ यस यूनियन टी।
ठीक है ना, जेड अगर यस यूनियन टी के अंदर बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या हुआ, जेड इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ यस यूनियन टी, लिख सकते हैं उसको हम लेट। अब यहाँ जब लिख सकते हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जेड इजकल टू अल्फा वन प्लस एक्स वन अल्फा टू एक्स टू एक्स एम अल्फा एम एक्स एम बी वन वाई वन बी टू वाई टू बी एन और वाई एन, ये आप लिख सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में। अगर जेड उसका एलिमेंट है यस यूनियन टी का, तो जेड को हम यस यूनियन टी के जो भी फाइनाइट एलिमेंट हैं उनको हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, वेर एक्स आई यस से बिलोंग करता है और वाई जे बिलोंग करेगा टी से, जहां आई बैरी करता है वन टू एम और जे बैरी करता है वन टू एन करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक हमने एज्यूम कर लिया कि वो वाई है, वेयर एक्स आई x इज इक्वल टू ए आई प्लस अल्फा आई होगा, यहाँ पर अल्फा आई प्लस एक्स आई वो सेट ऑफ एक्स के लीनियर कम्बिनेशन बिलोंग करेगा। अगर जब आपने पूरा ये x कंसीडर कर लिया, ये पूरा यहाँ से बी वन वाई वन से बी एन वाई वन तक y कंसीडर कर लिया, तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू किससे बिलोंग करेगा, ये लीनियर कम्बिनेशन जो होगा मतलब एल टी में बिलोंग करेगा, राइट। देयर फॉर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वो भी क्या करेगा, दोनों के सम में भी बिलोंग करेगा, यानी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सेट यस के फाइनाइट एलिमेंट होंगे यस और टी का, जो लीनियर कम्बिनेशन एल एस और एल टी बन रहा है उसके अंदर एक्स प्लस वाई भी बिलोंग करेगा, राइट। उसके बाद जब हम इसका एल एल मतलब लीनियर कम्बिनेशन बना रहे हैं एल यूनियन टी यस यूनियन टी का, वो कंटेन कर जाएगा इसके अंदर, इन दोनों के सम के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों से एक एलिमेंट हम लेते हैं जेड लेते हैं, ठीक है, लेट जेड इजिकल टू एक्स प्लस वाई ले लिया, फॉर सम एक्स बिलोंग करेगा एल एस में और वाई बिलोंग करेगा किसके अंदर, एल टी के अंदर। एल टी हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट एलिमेंट ऑफ टी का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो हमारा एल टी है। तो इसका मतलब क्या है, इसको एक्स को हम लिख सकते हैं अल्फा एक्स आई समेसन समेसन बी जे और वाई जे, इसका मतलब क्या है, जेड बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, उसके यूनियन के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब सिंस एक्स वन एक्स टू एक्स एन एक्स एम और वाई वन वाई टू वाई एन ये दोनों एलिमेंट जो हैं फाइनाइट एलिमेंट, उनके यूनियन के अंदर भी बिलोंग करेंगे। देयरफॉर एल एस प्लस एल टी वो कंटेन कर गया किसके अंदर, यस यूनियन टी के जो फाइनाइट एलिमेंट होंगे उनका जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा एल टी, यस यूनियन टी का जो फाइनाइट एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा एल यस यूनियन टी, उसके अंदर इनका सम कंटेन कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि यस यूनियन टी का जो फाइनाइट पॉसिबल एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन बनेगा वो यस और टी के लीनियर कम्बिनेशन के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमें प्रूफ करना था, ठीक है, बस आपको बेसिक डिफिनेशन थोड़ा सा एक बार ध्यान देना है, जो प्रीवियस में आपसे पहले बहुत पहले करवाया जा चुका है, और लीनियर अलजेब्रा में एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, तो लीनियर कम्बिनेशन आपको बार बार यहाँ पर आ रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार प्रीवियस में वीडियो जाइए और देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस में लीनियर कम्बिनेशन के बारे में अच्छे से बताया गया है ना, आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर स्पैन ऑफ ए सेट और सेट रिलेटेड एक थ्योरम करा जो इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेना अपने हिसाब से मैच कर लेना, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने में, एलआई एलडी यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।